हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिलाई मशीन में मोटर कैसे लगाई जाती है। यह है अलहिन स्विंग मशीन मोटर का बॉक्स, ये हमने ओपन कर लिया। ये है इसका वारंटी कार्ड। अब इसमें से मोटर और स्पीड कंट्रोलर भी निकाल लेते हैं। ये रही अलहिन की ब्लैक कलर की मिनी मोटर, 6,500 RPM। ये घर की मशीन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत अच्छी मोटर है। आप चाहें तो इसे अपनी मशीन में लगा सकते हैं। और ये रही इसकी बेल्ट, और इसमें इसका सामान है कार्बन वगैरह। और ये अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्पीड कंट्रोलर। अभी हम इसे भी सब पन्नी में से निकाल के देखते हैं स्पीड कंट्रोलर कैसा है। ये रहा इसका स्पीड कंट्रोलर, ये बहुत लॉन्ग वायर का स्पीड कंट्रोलर है। ये अब बेल्ट खोल के देख लेते हैं। बेल्ट कार्बन और इसमें बोल्ट एंड वार्शल है। ये हमने बेल्ट निकाल ली। ये रहा इसका बोल्ट वार्शल, और ये रहे इसके दोनों कार्बन। अब यहाँ पे मोटर को मशीन में लगा के देखते हैं, लेकिन देख सकते हैं दिक्कत आ रही है कि मोटर का ब्रैकेट मशीन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें? अब ये जो दोनों नट हैं मोटर के ब्रैकेट के, इन दोनों को लूज़ करेंगे और ब्रैकेट को आगे करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा ब्रैकेट मशीन तक पहुंच जाए। ये इनको पहला लूज़ करा, अब सेकंड को लूज़ कर लेते हैं। अब ये ब्रैकेट को पीछे करा, अब इसको दोबारा टाइट कर देते हैं ताकि ये दोबारा हिले नहीं। अब इसको फुल टाइट कर देंगे दोनों तरफ से। अब मोटर को दोबारा लगा के देखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी मशीन तक पहुंचना चाहिए बस। अब देख सकते हैं ये आराम से मशीन के हॉल तक पहुंच रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मोटर लगाने में। अब हम इसका बोल्ट और वार्शल ले लेते हैं। वार्शल को ऐसे बोल्ट में लगा के आपको यहाँ इसको बोल्ट को यहाँ पर टाइट कर देना है। अभी आपको बिल्कुल फिक्स नहीं करनी मोटर, आपको टेम्परेली सेट करनी है, क्योंकि हमें अभी बेल्ट भी सेट करनी है। तो हम इसीलिए जो है टेम्परेली ही सेट करेंगे मोटर को। आप इसको थोड़ा सा टाइट कर दें ऊपर करके मोटर को। अब बेल्ट ले लें। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि बेल्ट छोटी है, लग नहीं रही। तो बेल्ट चलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आपकी ये वाली बेल्ट आराम से लग जाएगी। इसको बेल्ट को अंदर डाल के और पीछे की तरफ से नीचे की तरफ दबा दें। ये देखिए आपकी बेल्ट लग गई है। अब इस बेल्ट को मोटर से कनेक्ट कर दें, और अब अपनी मोटर के बोल्ट को बिल्कुल टाइट कर दें। देख लें कि आपकी बेल्ट लूज ना हो, लूज हो तो मोटर को हल्का सा नीचे की तरफ दबा के तब बोल्ट को टाइट करें। अब इस बेल्ट को मोटर के व्हील से कनेक्ट कर दें। देख सकते हैं आपकी मोटर मशीन से कनेक्ट हो गई है, दोनों चीज़ एक साथ घूम रही हैं। और यहाँ पे अब हम मोटर का और स्पीड कंट्रोल का प्लग लगा लेते हैं। और ये दबाया हमने स्पीड कंट्रोलर, और ये देख सकते हैं आपकी मोटर चालू हो चुकी है। इसकी कितनी अच्छी स्पीड आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये रहा इस मोटर का वारंटी कार्ड, नंबर मेंशन है वारंटी कार्ड पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मोटर लेने के बाद तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।